सो हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स वार में। दोस्तों, कल का जो मुकाबला होने वाला वो होने वाला स्कॉटलैंड वर्सेज जिम्बाब्वे के बीच में। लगभग 15 घंटे के बाद यह मैच शुरू होने वाला। तो आज की हमारी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों की टीम रहने वाली है। तो चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों ये जो मुकाबला है वो बेलेरी ऑल स्टेडियम में खेला जाएगी, जो जहाँ की पिच है, जो कि यहाँ पर स्कोर जो कि काफ़ी अच्छा बन सकता है। तो आपको बैट्समैन यहाँ पर या ऑलराउंडर ज़्यादा पिक करने होंगे इस अपनी टीम के अंदर। और इस पिच पर जो गाइज स्पिनर को भी अच्छे खासे यहाँ पर विकेट मिल जाते हैं। तो गाइज हमने विकेट कीपर के अंदर ले लिया एम क्रॉस को। इसके बाद हम बात करेंगे बैट्समैन की। तो बैट्समैन मैंने यहाँ पर 3 सेलेक्ट कर लिया। आप चाहो तो यहाँ पर 4 भी सेलेक्ट कर सकते हो। लाइन से पाने के बाद अपने हिसाब से आप जो कर लेना। मैंने अभी पिक किया जी मुंशी को। इसके बाद जो कि गाइस दूसरे नंबर पर आर बैरिंगटन, इसके बाद जो कि आर ब्रोल, 3 है जो कि बैट्समैन मैंने यहां पर सेलेक्ट कर लिया। अब आप एम जॉन्स को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी टीम के अंदर लाइनसअप के बाद। तो इसके आप इनको भी अपनी टीम के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करें ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर मैंने तीनों ही जो कि स्पिनर प्लस बैटिंग करने वाला, तो इन तीनों को मैंने अपनी टीम के अंदर सेलेक्ट कर लिया। सिकंदर राजा जो कि दोस्तों अपनी टीम में ज़रूर सेलेक्ट कर लेना, आपके लिए एक बॉस्ट ही कैप्टन के लिए आप अच्छी चॉइस हो सकती है आपके लिए, तो इसको ज़रूर पिक कर लेना। इसके बाद है एस विलियम्स, इसको भी अपनी टीम के अंदर जरूर सेलेक्ट कर लेना। डब्लू माधवीरी को भी अपनी टीम के अंदर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि इस पिच पर है जो कि स्पिनर को यहाँ पर ज़्यादा विकटें मिलने वाले, तो इनको अपनी टीम के अंदर जरूर सेलेक्ट कर लेना। एम लिस्ट भी आपके लिए अच्छे यहाँ पर ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं, इनको अपनी टीम के अंदर आप जो कि सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइन से पाने के बाद जो कि इन टीम खिलाड़ियों के बीच कुछ जो कि बदलाव हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से इनको टीम के अंदर सेलेक्ट कर लेना। अब हम बात करें बॉलर की, तो बॉलर मैंने ले लिया एम वाट को, जो कि दोस्तों स्पिनर है और इनको अच्छे खासे यहाँ पर विकेट मिल जाते हैं। जे डेवी जो कि फास्ट बॉलर है, जो कि पहला ओवर यहाँ पर डालने को आपको दिख जाएंगे, तो मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया, जो कि 14% सेलेक्ट है, आपके लिए एक बेस्ट यहाँ पर बॉलर साबित हो सकते हैं। इसके बाद जो कि बी मुज़र अबानी को मैंने अपनी टीम के अंदर सेलेक्ट कर लिया, जो कि दोस्तों आपके हर मैच में लगभग एक विकेट तो यह चटका लेते हैं, तो इनको अपनी टीम के अंदर जरूर सेलेक्ट करना। इसके बाद है टी चटारा, तो जो कि इनको भी अपनी टीम के अंदर सेलेक्ट कर लिया। फास्ट बॉलर है तो आपके लिए एक विकेट चटका सकता है। अंतिम ओवर करते हैं लास्ट के, या 1900 या 2000 ओवर ये आपको डालते हुए दिख जाएंगे, तो इसको अपनी टीम के अंदर जरूर पिक कर लेना। अब हम कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, तो एस विलियम्स को मैंने अपनी टीम के अंदर कैप्टन रखा है, क्योंकि सिकंदर राजा ऑलरेडी 65% है जो कि कैप्टन है, तो थोड़ी रेस की टीम आपके लिए अच्छी होगी ग्रैंड लीग विन करने के लिए। तो एस विलियम्स को यहां पर मैंने कैप्टन रख दिया, वाइस कैप्टन है जो कि डब्लू माधवीर को मैंने वाइस कैप्टन रख दिया। अब हमारी टीम है जो कि कुछ इस प्रकार से रहेगी ड्रीम इलेवन के अंदर। 6 प्लेयर जो कि मैंने जिम्बाब्वे के लिए और 5 प्लेयर स्कॉटलैंड के लिए, तो जिम्बाब्वे टीम है जो कि बेस्ट हो सकती है आपके लिए, तो इनकी ज़्यादा प्लेयर है जो कि आपको लेने हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।